हेलो क्लास 10। आज जो है लाइट में जो है हम मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चैप्टर है हमारे पास लाइट। ठीक है, और इसमें जो है रिफ्लेक्शन है ना और मिरर, इनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, और जो मिरर फॉर्मूला है क्या, मिरर फॉर्मूला क्या बताया था, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। शुरुआती फॉर्मूला है तो सबसे पहले प्लस में ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या बताया था, मैग्नीफिकेशन अगर यहाँ प्लस है तो मैग्नीफिकेशन में माइनस वी अपॉन यू। तो इसी तरीके से हम डिफरेंशियल जब लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दी हुई है। ठीक है, ऑफ स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है लेट आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमें लेंस के बारे में ठीक ठीक नहीं बताया है, तो इसमें एक रेडियस कॉनकेव कॉनवेक्स ये नहीं बताया, तो हम यहाँ पे इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर को प्लस माइनस 20 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंस हम उसमें अगर कॉनवेक्स होगा तो प्लस ले लेंगे और कॉनकेव होगा तो माइनस ले लेंगे। अगर वो लेंस दिया होता तो प्लस माइनस की वैल्यू का भी इसमें होता है। ठीक है, तो एंड देयरफॉर फोकल लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू एफ है, और हमने क्या पढ़ा था इसका फॉर्मूला, आर अपॉन टू, तो क्या आएगा प्लस माइनस 20 अपॉन 2, तो यानी कि प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगी हमारी, इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, अब जो है अब थोड़ा मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हैंड टू हैंड जो है यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जो है एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है इसी में बुक का, फाइंड द फोकल ऑन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, आर इज इक्वल टू हमने यहाँ मान लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ध्यान देने वाली बात है कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इस साइड आती है ना, ये फोकस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो राइट हैंड साइड में, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, देयरफॉर जो एफ है हमारा, एफ क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, तो प्लस 32 अपॉन 2, यानी कि प्लस का 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। ठीक है, 3 गुना जो है मैग्नीफाइड है और रियल इमेज है। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट जो है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने रखा जाता है 10 सेंटीमीटर पे, तो वेयर इज द इमेज लोकेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे जो एम है वो क्या है, मैग्नीफिकेशन। ठीक है,
तो m की वैल्यू यहाँ पे आओगी 3 टाइम्स, है ना, तो यानी कि कितनी हो गई 3। अब 3 के बाद क्या है, ये क्या है, रियल इमेज, क्या है, 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो रियल इमेज है तो यानी कि m की वैल्यू क्या होगी, -3। m यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव, वो जो इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि एक रेशियो है, ठीक है। तो रेशनल चीज़ जो होती है उनमें ज़्यादातर क्या होता है, कोई भी वहाँ पे क्या कहते हैं, यूनिट नहीं होती है, ठीक है। फिर हमने एक पढ़ा था m इज इक्वल टू -v अपॉन u, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, -v अपॉन u बराबर -3, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट कह रहे 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, ये है, तो u बराबर क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि हमेशा कहाँ रखी जाती है, लेफ्ट साइड में रखी जाती है, तो क्या आएगा, निगेटिव आएगी। तो v इक्वल टू कितना आएगा, 3 u, तो v इज इक्वल टू 3 × -10, ठीक है। तो यानी कि क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस में बनेगा, और ध्यान क्या होगा, और उसका क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। जब हम यहाँ पर कॉनकेव मिरर लेंगे तो कॉनकेव मिरर में माइनस आ गया, तो ये फ्रंट कहने का मतलब क्या होगा, फ्रंट माने कि लेफ्ट साइड को ही रखा जाएगा, तो कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर। तो हैंस यहाँ पे लिख सकते हो, हैंस द डिस्टेंस ऑफ जो है इमेज इज एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो इस तरीके से हम क्या है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब जो है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में जो है, हम 2 एग्जांपल हैं, उन 2 एग्जांपलों से शुरू करते हुए फिर क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की तरफ जाएंगे। देखिए क्लास, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एग्जांपल 10.1, ठीक है। इनको समझोगा कि बुक में थोड़ा क्वेश्चन कम है, बाकी प्रैक्टिस के लिए करते रहेंगे, क्वेश्चन हेल्प बुक है, कई चीज़ें हैं, गैस पेपर हैं, उनके थ्रू भी हम सैम्पल पेपरों की तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये कुछ क्वेश्चन है, ये 2 एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए तो जो है बिल्कुल ही बिल्कुल सरल है, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन को करते समय ध्यान देने वाली बात क्या है, कि देखो इसमें है क्या, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया हुआ है, बस कहाँ पे है, 5 मीटर दूर है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है हमें, और इसके बाद हमें इसमें जो है पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज ये निकालनी है, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये आप एक हैबिट बना लो कि 3 चीज़ें क्या है आप निकालने की कोशिश कर करो हर क्वेश्चन में, ठीक है। पोजीशन पूछेगा तो आपको करना है, नेचर पूछेगा तो उससे पहले हमें पोजीशन या किसी न किसी तरीके से ये चीज़ निकालनी होती है, तो आ ही जाती है, ठीक है। नेचर है, अगर आप साइज के लिए करोगे तो अपना भी थोड़ा नेचर भी बता दोगे, कोई इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, देखो क्या दिया हमें, गिवन है क्या, ठीक है। फिर हम पहला आ रहा है हमारा पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर हमने लिख दिया, ठीक है। फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किससे दिखाते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू से, और इमेज को किससे दिखाते हैं, वी से, तो कितने दिए, 5 मीटर, ठीक है। अब गिवन क्या है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहता है, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद जब हम इन सब चीज़ों को लिख देंगे तो हमें फिर साइन लगाने होते हैं लेंस और जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि इस तरीके से होता है लेंस, तो इधर को ही फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही राइट साइड को आते हैं, तो प्लस रहती है इसकी वैल्यू हमेशा रेडियस ऑफ फोकल की, है ना, ये आ गया। और दूसरा क्या बताया था, हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, लेंस के लेफ्ट साइड इन फ्रंट में, ठीक है। तो ये यू क्या रहेगा, माइनस। इससे पहले भी जब मैंने इसके लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बताया था तो
वहाँ पे से आप समझ सकते हो कि क्या क्या उसमें रीज़न बताया गया कि क्या क्यों माइनस प्लस होते हैं, कौन सी चीज़ प्लस रहती है, कौन सी माइनस रहती है, इस तरीके से कैसे करोगे। तो उसके लिए आप जो है प्लेलिस्ट में जाके जो है बाकी जो है इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब पोजीशन है, हमें फाइंड करना क्या है ना, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें वी फाइंड करनी है, ठीक है। नेचर हो गया साइज, तो साइज ऑफ इमेज मतलब उसकी हाइट जो है, ठीक है। तो एच आई हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें हाइट ऑफ द इमेज भी फाइंड करनी है, ठीक है। अब जो है इसको जो है हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है साइज ऑफ द इमेज का मतलब हो गया, यहाँ पे एक प्रकार से हमें मैग्निफिकेशन बताने कि कितना मैग्निफाइड बनेगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे बताना है एक प्रकार से। तो यहाँ पे साइज ऑफ इमेज बोल रहा है, तो यहाँ पे साइज ऑफ इमेज क्या होगा, एकदम निकालना मुश्किल है। तो साइज ऑफ इमेज तब होगी जब हमें हाइट ऑफ द इमेज जो होगी दी होगी, तभी तो हम उसके कंपेयर कर सकते हैं। तो इन कंडीशनों के अकॉर्डिंग हम बस यहाँ पे क्या बताएंगे, एक प्रकार से मैग्निफिकेशन को हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल है, तो एफ जो है हमारी फोकल लेंथ, लेट फोकल लेंथ इजिकल टू एफ है, तो जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, हाफ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक है, इतने मीटर, ठीक। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो है फ्रैक्शन में ही लिया करो वैल्यू, ठीक है। पॉइंट में लोगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, 1.5 या 1.25 आ गया तो फिर डेसिमल हटाओगे तो 125 रह जाएगा बड़ा, है ना, तो मिस्टेक कम से कम हो, तो इसलिए इसमें फ्रैक्शन की यूज करो, ठीक है। अब जो कि फोकल लेंथ हमने इसलिए निकाली क्योंकि देखो बाई मिरर फॉर्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ है हमारे पास, वी हमें निकालना है, यू की वैल्यू -5, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो कितना आएगा, 2/3, ठीक है। पहले साइनों को और हम जो हमारे फ्रैक्शन है या साइन है उनको हम सही से कर लेंगे, 1/5, ठीक है। अब ये इधर चले जाएगा तो 1 -1/5 उधर जाके क्या होगा, प्लस का 1/5, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी इतनी, ठीक। अब एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये आ गया 1/v इज इक्वल टू 13/15, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 13/15। अब यहीं से इसका रेसिप्रोकल कर दो, वी होगा तो वी इज इक्वल टू कितना का, 15/13 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको हम जो है डेसिमल में इसका आंसर निकालेंगे तो वी इज इक्वल टू आ गया हमारा 1.15 सेंटीमीटर अप्रोक्स, इतना आ जाएगा, ठीक है। और वैल्यू किस में, प्लस में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि मिरर के उधर बनेगा, ठीक। ये आ गई हमारी पोजीशन ऑफ इमेज। अब नेचर और साइज के बारे में वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब इधर देखो एंड एम मैग्निफिकेशन है, तो यहाँ पे हाइट वाइट तो दी नहीं है, तो यहाँ पे वाला यूज़ करेंगे -v/u। और मैग्निफिकेशन जो है कितना आएगा, माइनस हो गया, अब v की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 1 -1.15 भरने से बढ़िया आप इसकी वाली वैल्यू, क्योंकि इसी से तो आया था, 15/13, इस तरीके से ले लीजिए, ठीक है। और जो यू था वो हमारा कितना था, -5,
तो कितना आ गया? तो ये आ गया तुम्हारा 15/13 × 5। अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा, जो मैग्नीफिकेशन आ गया हमारा 3/13। ठीक है, तो इतना जो है इतने गुना बनेगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट जो है 0.23 इतना आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ m की वैल्यू क्या है? ठीक है, तो इससे क्या आएगा, तुम लिख दोगे हैंस। ठीक है, जो है इमेज इज वर्चुअल, जो कि प्लस मार की वैल्यू बताया था वर्चुअल होगी, और इरेक्ट। ठीक है, कॉन्वेक्स में ज़्यादातर वर्चुअल और इरेक्ट ही बनती है। ठीक है, एंड जो कि देखो स्मॉलर इन साइज, जैसे 1/2 करता है हाफ हो जाता है, तो फ्रैक्शन गुना मतलब उसका छोटा बनता है, एंड स्मॉलर इन साइज। ठीक है, स्मॉलर इन साइज, ठीक है, बाई 3/13 टाइम। ठीक है, इतने टाइम के हिसाब से ये बनेगा। ठीक है, अब ये जो जगह है, अब इसमें क्या आता है, कभी कभी कहता है कि इसी क्वेश्चन में जो है इसकी वैल्यू बढ़ा के इसमें आ जाता है रे डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, अब रे डायग्राम में क्या होगा, एक हॉरिजेंटल लाइन आएगी। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, डी वी इनका यूज करके अच्छी तरह से बनाइएगा। ठीक, अब जो है हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है, अब इसके लिए जो है यहाँ से हम जो है ऑब्जेक्ट की कितने है? 5 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 मीटर इस तरीके से दिखा देंगे, पोल से ही तो डिस्टेंस होगी, तो कितनी आ गई? 5 मीटर। ठीक, अब यहाँ से क्या हुआ, ये गई रे और ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब इसको पीछे बढ़ा दो। ठीक है, इसको पीछे बढ़ाओगे डॉटेड करके, तो इसको तो हम कह देंगे फोकल पॉइंट F। ठीक है, और ये हो गया, और एक डिस्टेंस एक जो होगा यहाँ से पोल की तरफ आके यहाँ से रिफ्लेक्ट होके दूर जाएगी। इसको पीछे बढ़ाने में क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे काटेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमेज। ठीक है, यहाँ पे छोटा छोटा बना रहा हूँ, वहाँ पे जो है आप पेज बड़ा होता है तो काफ़ी अच्छा क्लियर बनाइएगा। ठीक है, इमेज हो गया तो ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये जो हो गया, हमने इसको ऑब्जेक्ट को ए बी मान लिया, और इसको जो है ए डैस, वो ऊपर का पार्ट बी है तो यहाँ बी डैस मान लिया। ठीक है, तो यानी कि हमारा ए बी, ठीक है, और जो है ये जो ए डैश बी डैश है वो क्या होगा, 3/13 टाइम्स ए बी का, इतने टाइम्स होगा। ठीक है, अगर हमें ऑब्जेक्ट की हाइट पता है तो उसके हिसाब से, यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट 65 सेंटीमीटर, तो 5 बार कटता तो यानी कि 15 सेंटीमीटर का बनता है। ठीक है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी 1.15। ठीक है, आप खुद देख लीजिए, तो 1.5 है। ठीक है, अगर हम फोकल लेंथ को निकालते हैं तो कितना था, 1.5 मीटर। ठीक है, तो यानी कि ये नियर अबाउट जो है फोकस के पास बनेगा। तो इस तरीके से क्या है, थोड़ा सा रे डायग्राम को क्या होगा, क्लियर क्लियर बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अगले वाले क्वेश्चन में जो है कोशिश करूँगा कि जो है डायग्राम थोड़ा बड़ा बने। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम्पल 10.2। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 10.2 है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ठीक है, साइज हमें दिया हुआ है, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्या दिया है हमें, कॉनकेव मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और
कि जो है कि हम इस मिरर से कितनी डिस्टेंस पे एक स्क्रीन लगाएं कि जो है वहाँ पर हमें शार्प इमेज मिले, मतलब हमें जो है पोजीशन ऑफ जो है इमेज हमें बतानी है और उसका नेचर और साइज ऑफ द इमेज भी बतानी है। तो यहाँ पर हम साइज ऑफ द इमेज जो कि हमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो उससे हमें निकल जाएगी। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमें दिया है साइज ऑफ इमेज दिया है, हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमेशा ऊपर की तरफ को खड़ी रखी जाती है तो इसलिए पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है जो मैं लिख नहीं रहा हूँ वैसे आप लिखोगे, हाइट ऑफ जो है हाइट ऑफ जो है ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एच नॉट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। फिर अगली लाइन में क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मैंने बताया था कि यू हमेशा माइनस होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो 25 क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और फोकल लेंथ करके लिखना, फिर इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि ये कॉनकेव मिरर, मैंने वहाँ पहले भी बताया कि कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो किस में होती है, माइनस में होती है। ठीक है, अब हमें वी निकालना है और बाकी चीज़ें हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो बाई मिरर फॉर्मूला, ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 15। ठीक है, पहले सही से भर लीजिए, 1/v + 1/-25। ठीक है, पहले वैल्यू भरी, फिर इसमें जो साइन वाइन है इनको डील करेंगे, 1/15 इज इक्वल टू 1/v + -1/25। तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 1/v इज इक्वल टू कितना था, -1/15 उधर था, ये उधर जाके प्लस का 1/25। तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ गया, एलसीएम लेंगे 75 आएगा, है ना, और यहाँ 3, तो 1/v इज इक्वल टू -2/75। ठीक है, तो यानी कि वी इज इक्वल टू आएगा -75/2 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर जो है हमारा यहीं पर ही आ गया, तो वहाँ दिखाने लगे हम इसे -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा, नेचर और जो है साइज हमें निकालना है। ठीक है, तो एंड एम इज इक्वल टू, ठीक है, एम इज इक्वल टू हमारे पास वी और यू में भी फॉर्मूला होता है, एच आई और एच नो जो है एच ओ में भी जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट में भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे मैग्नीफिकेशन भी नहीं पता और हम एच आई भी नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पर वो तो लगाना सही नहीं है, पहले मैग्नीफिकेशन निकाल देते हैं। तो देखो -v/u इसका फॉर्मूला है, तो एम इज इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 75/2, फ्रैक्शन वाली वैल्यू ले लीजिए क्योंकि आई तो इसी से ही है, तो इसलिए डेसिमल से बढ़िया फ्रैक्शन वाली वैल्यू वहाँ पे रखिए। ठीक है, और जो हमारा यू था कितना था, माइनस का 25। ठीक है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं माइनस है माइनस कर दिया। ठीक है, एम इज इक्वल टू 75/2, ये इधर आके कितना होगा, 1/25। ठीक है, मल्टीपल डिवाइड्स अगर ऊपर मल्टीप्लाई में आता तो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 3/2 यानी कि 1.5। ठीक है, 3/2 का मतलब कि उससे साइज में क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो देयरफोर, ठीक है, m की जगह पर क्या लग सकते हैं हम, hi/h0। ठीक है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू लीजिए, तो hi इज इक्वल टू h0 कितना हमारे पास, 4 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा। ठीक है, तो एच आई बराबर हो जाएगा हमारा 3/2 × 4, तो 2 से कट गया, तो एच आई बराबर हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ये आ गया और माइनस ये है। ठीक है, तो इसमें माइनस भी
चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इधर क्या कहेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे कहेंगे स्क्रीन, हैंस स्क्रीन है ना, शुड बी प्लेस्ड, ठीक है, एट 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया इन फ्रंट, ठीक है, सामने, ठीक। फिर उसमें कह रहा है नेचर, ठीक, इसका नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। अब ये जो था, ये हमारी जो है ये वैल्यू कितनी थी, -1.5, ठीक है, तो यानी कि निगेटिव है, तो यानी कि क्या होगी, नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड क्या हुआ, इन्वर्टेड, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, यहाँ से भी एच आई -6 आके तो -6 सेंटीमीटर नीचे बनेगी, एंड ठीक है इट्स साइज इज क्या होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम रे डायग्राम बना देते हैं, तो रियल इमेज बन गई। तो हमने पढ़ा था कि ये जो कॉन के वाला है इसके जो है इधर ही बनेगी, ठीक है, ये हमारे पास फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जो है हमें यहाँ पर फोकस 15 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा 13, ये अगर 15 सेंटीमीटर की पोजीशन में, तो ये कितना है 30 सेंटीमीटर की पोजीशन में, ठीक है, और जो यू है माइनस का 25, ठीक है, यानी कि इसके बीच में यहाँ पर कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने बताया था जब इधर से आते आते सी पे बराबर होता है, जैसे ये कदम अंदर आएगा तो यहाँ से बियॉन्ड सी मतलब 30 से ऊपर ही वैल्यू आएगी ऑब्जेक्ट की, ये भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है, एक अनुमान। तो ये पैरेलल रह गई और ये क्या हो गया, यहाँ से शिफ्ट होके इधर को चली जाएगी, ठीक है। दूसरा फोकस से करो या पोल की तरफ करो, तो देखो फोकस की तरफ करते हैं, ये कितना आ गया, ये आ गया 37.5 सेंटीमीटर की पोजीशन में ये बनेगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से रे डायग्राम हो गया, पेंसिल से यूज करना, ठीक है, और ए और बी डैश, ए और बी जो है बी ऊपर का त्रिकोण भाग है, तो यहाँ पे बी डैश इधर होगा और इधर कौन होगा ए डैश, क्योंकि बी के हिसाब से तो उसका बी के बी वाले पॉइंट से जो जाने वाली लाइन है वही तो यहाँ मिल रही है बी डैश पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे बी डैश। तो इस तरीके से क्या है हमारे पास कुछ डायग्राम बन जाएंगे, तो सिंपल है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ही क्या होगा, ये अपना आप ही समझ में आएगा। ये चीज़ें आप निकाल लीजिए तो कि ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीफिकेशन हो गया और फोकस वोकस जो भी पूछा है उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए पूरे पूरे उसका करिए और कोशिश कीजिए कि जो भी क्वेश्चन है उसका रे डायग्राम बना सको सही सही, ठीक है, क्योंकि रे डायग्राम की भी प्रैक्टिस करोगे तो उससे तुम्हें क्या होगा काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है क्लास। अब जो है हम इसके लेंस जो मिरर वाला है जो हमने पढ़ा था इसका, ठीक है, इससे पहले एग्जांपल करे थे, अब जो है इसका हम जो है क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन में है, इसमें जो इमेज वाले जो है मिरर वाले क्वेश्चन में करा रहा हूँ, तो इसमें जो है एक क्वेश्चन है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट ए लार्ज लार्जर देन ऑब्जेक्ट वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, की उसकी पोजिशन कहाँ होगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। वो कह रहे हैं बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन पोल एंड मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब जो है इसमें है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस में टिक लगा रखा है, तो इसका रीज़न क्या है, ठीक है, जैसे आपने पहले मैंने वीडियो में बताया था कि जैसे ये फोकस, देखो बाकी टाइम में क्या था, वर्चुअल जो होती है इसमें कॉनकेव मिरर में,
यहाँ पे जो है कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में हम जो है इससे पहले जितनी भी कंडीशन में रियल बनती है, वर्चुअल कहाँ पे बनती है, जो याली पोजीशन है, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था, मैंने कहा था इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो जब बिटवीन फोकस एंड पोल होता है तो बैक ऑफ द मिरर बनता है वर्चुअल इलेक्ट्र एंड लार्जर इन साइज, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन जो है डायग्राम को, जो रे डायग्राम को बनाया था, इसको पहली वाली वीडियो में जहाँ मैंने मिरर समझाया था वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो एक ही वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर बनती है किसमें, कॉनकेव में, ठीक है। तो एक मैंने थर्ड पोजीशन और सिक्स पोजीशन वाले क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बताए थे। तो इस तरीके से जो है आप वीडियो को बार बार देखें और उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच फोकल लेंथ इज -15 सेंटीमीटर एंड मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी बोथ कॉनकेव, ठीक है। तो इसमें जो है ये लेंस वाला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट, ठीक है, मिरर का एक क्वेश्चन है। तो इसमें नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, कि मिरर से कितनी दूर हो, ठीक है, और मिरर से कितनी दूर हो एंड योर इमेज जो है अपीयर इरेक्ट और इरेक्ट बनेगी, है ना। तो द मिरर इज लाइकली टू बी, और जो मिरर होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। तो मिरर कहाँ बन जो है इसमें कह रहे हैं ना, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट है, मिरर लाइकली भी प्लेन होगा, कॉनकेव होगा, है ना, कॉन्वेक्स होगा, तो आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ठीक, अब ये कॉनकेव मिरर है, नहीं कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, ठीक। इसमें फोकस जो होती पीछे होती है हमने पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि इसका कर्वेचर इधर को आ रहा है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही आएगा क्योंकि सर्किल इधर को कंप्लीट होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कि हम पहले कहते थे बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, है ना, और एट कर्वेचर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर एट फोकस, इस तरीके से करते हैं। लेकिन इस मिरर में क्या है, सामने कोई ऐसी कोई कंडीशन हमें नहीं मिल रही कि कहाँ रखें, तो इसमें कोई मैटर नहीं करता कि कहाँ पे है, ठीक है। जैसे ये है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इसका रिलेशन होगा वो किससे होगा, फोकस से, ठीक है। और जब ये पोल से जाएगी तो ये भी क्या होगी, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये कुछ कंडीशन है बताई थी, ठीक है, इस वीडियो को जो है देख लीजिएगा पहले वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनना, ऑब्जेक्ट, तो जहाँ पे भी पोजीशन होगी तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, पीछे आएगी, ठीक है। तो ऑलवेज क्या बन रहा है इसमें, इरेक्ट है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो कॉनकेव है उसमें रियल है, बस एक ही जो कॉनकेव मिरर है उसमें सब जगह क्या है, देखो आप देखोगे तो सब जगह इसमें रियल ही बन रही है, ठीक है, रियल बन रही है। बस खाली एक ये लास्ट सिक्स पोजीशन है जिसमें ये क्या बनना है, वर्चुअल और इरेक्ट बनना, बस उसकी एक कंडीशन है, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा इरेक्ट उसके लिए बोल रहा है, इरेक्ट के लिए, तो एक होता है हमारे पास प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस इधर होता है उतनी ही डिस्टेंस में जो है उसकी इमेज बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट होगी, है ना। अगर हम पास रखते किसी भी प्लेन मिरर के तो देखते हैं कि हम वो शीशे के उतने पास आ जाती है, दूर ले जाएंगे तो उसी हिसाब से दूर होगी। तो इसमें भी क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो जो हमारा मिरर होगा वो क्या होगा, प्लेन होगा या कॉन्वेक्स, ठीक है। अब जो है इसमें देखिए क्वेश्चन है, देखिए मिरर वाले करा रहा हूँ मैं सीधे, ठीक है, अभी बाद में लेंस वाले के जो टर्म्स बताऊँगा उसकी सारी जो न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, है ना, फिर इसके बाद जो है हम उसके भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो एक वीडियो हमारी मिरर भी थी, फिर ये जो वीडियो न्यूमेरिकल ऑफ मिरर है, ठीक है, इसके बाद वाली जो लेंस होगी, फिर जो है लेंस हो गया, फिर इसके बाद लेंस के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्शन उसमें आ जाएगा। तो वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यूजिंग कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो है कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है बुक का, ठीक है। तो हमें क्या करना, ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट की, एक इरेक्ट इमेज करनी है यूजिंग कॉनकेव मिरर, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एफ बराबर -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है,
तो हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। फिर फोकल लेंथ 15 है, तो बताया था वहाँ पे भी, इससे पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि जो फोकस लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की, वो क्या होती है, निगेटिव होती है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है, हमें जो है कि रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यू निकालना है। यू क्या होता था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। वहाँ पूरा लिखोगे, हाँ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब वो कह रहा है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज, कैसी होगी इज इमेज, जो इमेज लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ड्रॉ रे डायग्राम है एंड सो दैट द फॉर्मेशन इन किस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो था, मैं एक बार पहले भी बता चुका था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ये पोजीशन है कॉनकेव मिरर में, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमें कहाँ रखना होगा, तो इसके लिए क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, तो आंसर में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है ना शुड बी प्लेस्ड एट, ठीक है, प्लेस्ड एट की जगह पकड़ो, बिटवीन किसमें जो होगा, बिटवीन किसके, क्या बताई थी उसमें कंडीशन जो थी हमने पढ़ी थी उसमें, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट बोल सकते हैं एंड पोल, ठीक है, इनके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब वो कर रहे हैं यहाँ पे, तो आगे ये तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे इसका जो है पहला पार्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज, इमेज की नेचर कैसी होगी, ठीक है। तो नेचर जो है यहाँ पे इमेज की नेचर है, देखो उसमें बताया था, तो एक बार इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इलेक्ट एंड लार्जर इन साइज, ठीक है, लार्जर होगा किसमें, साइज में, ठीक है। फिर इज इमेज लार्जर और स्मॉलर, तो लार्जर आ गया साइज में, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट हो गया। तो ड्रॉ रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, तो इस वाले केस में क्या करेंगे, हम इस वाले डायग्राम को बनाएंगे, तभी मैंने इसमें क्या करा, इंपॉर्टेंट लिखा है, तो यानी कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। तो जितनी भी इमेज फॉर्मेशन होती है, 6 कंडीशन है उनको बनाइए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी जितनी भी कंडीशन है उन सबको प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्या होगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो ये इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे तुम दूसरा पॉइंट है ना, यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, तो नेचर ऑफ इमेज हो जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और थर्ड क्या है, कैसा होगा साइज में, लार्जर इन साइज, ठीक है, इमेज इज लार्जर इन इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म लार्जर इन साइज देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद ड्रॉ रे डायग्राम, तो रे डायग्राम मैंने बता दिया था ये है, ठीक है, यहाँ पे भी दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, ये पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, अब इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे, तो इसके कुछ प्रिंसिपल थे, ठीक है, उन प्रिंसिपलों को हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पैरेलल आने वाली लाइन है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से चली आएगी, फोकस से हमारे यहाँ से लौट जाएगी, ठीक है। और इसको क्या होगा, डॉटेड पीछे को बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो था अगला था हमारे पास, इसमें जो होगा एक जो होगा, जो पोल पर जिस एंगल से टकराती उसी एंगल से क्या होगी, बाहर को रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, जिस एंगल पर गिरती उसी एंगल से तो रिफ्लेक्ट होती है। तो इसको भी हम जब पीछे बढ़ाएंगे, तो हम क्योंकि ये देखो यहाँ से एक दूसरे से दूर जा रही है, आगे तो मिलेगी नहीं, तो इसलिए इनको पीछे बढ़ा के हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, ये इमेज बन रही है। तो इमेज कैसी हो गई, इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, लार्जर इन साइज एंड जो है ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, तो पोल और फोकस के बीच में हम उनको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो है इन डायग्रामों को आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब जो है करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द टाइप्स ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन, हेडलाइट ऑफ कार है, हेडलाइट ऑफ कार में क्या होता है, तो हेडलाइट ऑफ कार है, तो इसके लिए जो है यहाँ पे देखिए 8 है, ठीक है। अगर हम किसी बल्ब को जलाएंगे, जैसे कोई बल्ब है, अगर वो जलेगा तो उसकी जो है लाइट सब जगह जाएगी, ठीक है, हमें क्या होगा जो है कम दिखाई देगा,
ठीक है। अब क्या होगा जब हम उसमें, जैसे आपने देखा होगा जब कैरम खेलते हैं तो ऊपर लाइट होती है, ठीक है, लाइट बल्ब होता है, ये होता है ना, तो देखा नहीं इमेज वहाँ पर ही गिरती है। तो उसी तरीके से जो जब हम हेडलाइट में लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉनकेव मिरर टाइप का जो होता है, हमें रिफ्लेक्ट जो होता है, हमें वहाँ पे सरफेस बनी होती है जो मिरर का काम करती है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब बल्ब को इस तरीके से जो है फोकस करता है कि बल्ब उसके फोकस पर आए, ठीक है, मैक्सिमम। तो उससे क्या होगा, जब यहाँ से जो इस जब लाइट प्रोड्यूस होगी तो वो लाइट प्रोड्यूस होगी क्या होता है फोकस में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होंगी, वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, अलग अलग, ये जहाँ से होगा उस तरीके से वो क्या होगा, अलग अलग उस हिसाब से जो है हमारा यहाँ से एक पैरेलल बीम के रूप में निकलेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जब इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो हमें क्या होगा, जो है पैरेलल बीम से क्या होगा, वो चीज़ साफ दिखाई देगी। इसलिए टॉर्च हेड जो लाइट के कार के हेडलाइट हैं तो वो चीज़ क्या होगी, हमें साफ दिखाई देगी। अगर हम इसको हटा के खाली बल्ब बल्ब लगा के जाएँ तो हमें वो इंटेंसिटी नहीं मिलेगी जो हमें आगे देखने में हेल्प करे। तो इसलिए कॉनकेव टाइप का बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा है, ठीक है, दूसरा है इसमें कह रहा है जो साइड रेयर व्यू मिरर ऑन जो वो होता है, क्या कहते हैं, व्हीकल, ठीक है, उसमें कौन सा यूज करते हैं व्हीकल के जो साइड रेयर होते हैं। तो देखो उसमें जो होता है प्लेन नहीं होता है, उसमें होता है कॉन्वेक्स, ये मिरर होता है, ठीक है। अगर हम प्लेन लगाएंगे या कॉनकेव लगाएंगे, ठीक है, अगर हम देखो मान लो ये कॉनकेव है और प्लेन है, मैं तीनों कंडीशन यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो जब हम कॉनकेव लगाएंगे तो पीछे से जो भी इमेज आएगी बनेगी, फॉर्मेशन जो होगी ना दूर होगी, एज ए फोकस से तो बहुत दूर होगी, तो एज ए इन्फिनिटी मान सकते हैं। तो जो ड्राइवर को दिखेगा वो डायग्राम क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। और ज़्यादातर कंडीशनों में क्या होता है, फोकस और पोल के बीच में ही जो होता है सीधी बनती है ना, तो बाकी टाइम में क्या होती है, जो होती है रियल एंड इन्वर्टेड होती है तो उल्टी बनती है। तो यहाँ पे जो होगा ड्राइवर को क्या होगा, उल्टा जो होगा वो क्या होता है, पीछे की पिक्चर दिखाई देगी, तो जिससे क्या होगा उसको दिक्कत होगी, ठीक है। और बहुत छोटे जो साइज में होगी उस टाइप की, इन्फिनिटी का जो होता है पॉइंट साइज टाइप का बनता है, तो लगभग ज़्यादातर इमेज छोटी बनेगी। अब इसमें क्या होता है, जो प्लेन वाला है, प्लेन वाले में देखो इमेज जितनी दूरी पे होगी वहाँ पे भी उतनी ही दूरी पे बनेगा, ठीक है। खुद देखो जितनी यहाँ है उतनी ही दूरी पे बनेगा, जब ऑब्जेक्ट पास आएगा वही होगा, ठीक है। बस तो इसका जो रेंज होगा, तो जितना बड़ा मिरर होगा उतने ही स्ट्रेट जिधर को होगा उतने ही वो दिखाएगा, ठीक है। अब कॉन्वेक्स वाले में क्या होता है, इसका जो विज़न जो होता है इससे जो होता है ड्राइवर को ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इससे विज़न क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, क्या कारण है उसमें, देखो ये है तो कोई भी इधर से, और इतनी बड़ी रेंज उसको क्या होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो जब उसका इमेज फॉर्मेशन होगा बाद में, मान लेते हैं यहाँ पे जो बनेगा, तो एक उसको सामने बनता है और क्या होता है वर्चुअल और इरेक्ट होता है ज़्यादातर ये, तो इसलिए क्या होगा उसे सीधा तो वहाँ पे दिखेगा, छोटा होगा, लेकिन क्या होगा वो मैक्सिमम एरिया कवर कर सकता है, ठीक है। तो ड्राइवर जब देखते होगे, तो जब बस में चढ़ने वाले होते हैं तो वो थोड़ा सा उसको व्यू क्या होता है अंदर तक का, है ना। और ये अगर बस है तो यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, तो क्या होता है तो उसको कुछ पार्ट जो होता है बस का थोड़ा थोड़ा पीछे तक दिखने की संभावना रहती है, मतलब एकदम क्लियरिटी उसका जो विज़न होगा क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। प्लेन में क्या होगा, प्लेन लगा दिया, पता चला कि वो देख तो रहा है बाकी सबको चढ़ते हुए, और उसको दिख नहीं रहा कि किसने ऊपर सीढ़ियों में पैर रखा नहीं रखा था, है ना, गाड़ी चला दी तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ड्राइवर को कंफर्म करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब जो होता है सोलर फर्नेस होता है, ठीक है, सोलर फर्नेस में भी क्या होता है, इसमें भी कॉनकेव लेंस को यूज़ करते हैं। जैसे जो भी ऊपर से सोलर लाइट आती है तो वो एक प्रकार से हम इन्फिनिटी में मान सकते हैं सन को, तो वो कहाँ होते हैं, उसके फोकस में वो हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे लेंस का भी एग्जांपल लेता हूँ, लेंस में जैसे हम देखते हैं कि लेंस में क्या होता है, जो होता है एक जगह पर फोकस कर देती थी तो वहाँ पर गर्म होता, कागज़ जला देते थे, हम बचपन में यही तो करते थे, है ना। तो उसी तरीके से ये है, ठीक है, जो जैसे आता है सोलर कुकर आता है तो उसमें भी इस तरीके का पैनल होता है, रिफ्लेक्टिंग पैनल होता है, और यहाँ पे उसकी फोकस यहाँ पे होता है, वहाँ पे एक जो होता है बकेट टाइप की होती है जिसमें हम जो है जो हमारा प्रेशर कुकर या कोई भी बर्तन रखते हैं, तो उससे क्या होता है बहुत गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है, तो उसमें भी क्या होता है खाना बनाने में वो हम उसकी तरीके की चीज़ों का हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से सोलर फर्नेस भी होती है, बहुत सारे पैनल होते हैं तो उनको इस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है कि वो एट लास्ट जो होता है भट्टी में जो होता है फोकस हो जाता है, तो जिससे जो बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये
बस कभी जैसे इनके ड्रॉबैक भी देख लो, ज़रा ध्यान रख लो कि जो सोलर पैनल्स होता है उसका ड्रॉबैक क्या होता है कि जब मौसम जैसे बरसात का हो गया या जाड़ों का हो गया तो उस टाइम उसकी जो लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, तो इस वजह से क्या होगा, ज़्यादा हीट हमें उस टाइम नहीं मिलती है। और जो हमारा जो समर वो जो सीज़न होता है तो उसमें क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, हीट प्रोड्यूस कर सकता है, तो उस टाइम बहुत मोर इफिशेंटली काम करता है। ठीक है, तो आई होप इतना यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इन वर्ड में लिख सकते हो जो मैंने बोला उनको, इन वर्ड में आराम से लिख सकते हो, बिकॉज ये है ना, यहाँ पे इनके अपने व्यू लिख सकते हो। यहाँ पे इसमें कॉन्वेक्स लिख देना कि जो है इसमें कह सकते हो कि साइड व्यू में जो हम मिरर करते हैं कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं, बिकॉज है ना इट कहते हैं यहाँ पे प्रदान करना है, ये जो होता है ड्राइवर गेट जो होता है मोर व्यू है ना देन अदर लेंसेज है ना, और जो होता है इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट इन प्लेन मिरर है ना, तो व्यू इज़ लेस देन जो होता है कॉन्वेक्स होता है ना, और जो होता है जो हमारे ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे तो ड्राइवर को यहाँ पे दिख रही है ना सारी इमेजेस सामने, तो इसमें क्या होगा जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे बनेगा, तो उस कार उस शीशे में उसे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी दूरी पे है ना। कॉनकेव है उसमें क्या होता है ज़्यादातर जो पोजिशन होगी उसमें फोकस से ज़्यादा ही होगी, और फोकस ऑफ पोल वाली तो है नहीं है ना, तो इसलिए क्या होगा उसमें क्या होगा हमेशा रियल और जो है इन्वर्टेड बनेगी, तो उल्टी बनेगी तो उसमें भी ड्राइवर को क्या होगा प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इतना करा है, तो इससे मैं आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अभी जो है इसमें इस वीडियो में जो है पूरे के पूरे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं हम पूरे के पूरे कौन से वाले कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं मिरर वाले। ठीक है, मिरर और मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल है। देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ये फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इसमें क्या है, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ हो गई यहाँ पे हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, यहाँ पे साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट इज प्लेस है 10 सेंटीमीटर, तो यू बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हमने जैसे पहले भी वीडियो में डिस्कस करा है, तो यू क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड जो होता है मिरर के उधर रखी जाती है ना, क्यों रखी जाती है, क्या माइनस होता है, इधर ही इधर की तरफ ही क्यों लेते हैं, ये सब मैं पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाके उसको देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें पोजीशन वी निकालना है और नेचर और लेंस निकालना, तो सिंपल वही जैसे हम इससे पहले वाले क्वेश्चन एग्जांपल वाले मैंने बताए थे उसके अकॉर्डिंग करेंगे है ना। तो यहाँ पर आएगा मिरर फॉर्मूला है ना, तो बाई मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u। ठीक है, तो 1/15 + 1/v + 1/ यहाँ पे -10, तो ये आ गया 1/15 है ना, 1/v - 1/10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे जल्दबाजी एकदम डायरेक्ट मत करना, कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, एक लाइन लग रही है, कोई ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा। ठीक है, इसको हम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे तो खैर सिंपल है, लेकिन जब लेंस करोगे तो तभी वहाँ पे बहुत मिस्टेकें होती हैं, उनसे बचने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, हम ध्यान सोचते हैं कि हम ध्यान रखेंगे, लेकिन क्या होता है, गलती होती है, तो उस गलती को सुधारने के लिए एक लाइन लग रही है तो सही है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, अब एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो कितना आ गया, 5/30 1/v, तो लोएस्ट टर्म में बदल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाला ये वैल्यू है कि 6 की वैल्यू है क्या है, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही दिखाता है कि क्या बनना है, लेंस की जो हमारा मिरर है उसकी कहाँ बनेगा, राइट हैंड साइड में, यानी कि बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब इसके बाद मैंने कहा था कि नेचर अगर हमें वो बताना है तो एक हम मैग्नीफिकेशन निकाल देते हैं है ना, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, ये तो ये जो दो फॉर्मूले हैं
लेंस फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन का इनका ज़्यादा यूज़ होता है, तो इनको निकाल भी दोगे तो कोई वो नहीं होगा, है ना। तो वैसे एच आई अपॉन एच ओ होता है, जब वो नहीं होता तो हम इसका फॉर्मूले को क्या लेते हैं, यहाँ प्लस था तो इधर क्या होता है माइनस होता है, माइनस वी अपॉन यू, इस तरीके से याद करने की कोशिश करोगे ये होता है ना। अब मैग्नीफिकेशन वी हो गया, माइनस वी की वैल्यू कितनी है 6 और यू की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, ठीक है, तो आ गया 0.6, ठीक है 0.6, या हम क्या कह सकते हैं इसको अगर हम करेंगे लोएस्ट नंबर तो 3/5, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारा मैग्नीफिकेशन क्या है पॉजिटिव, ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, तो तुम लिख सकते हो यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, इज क्या हो गई वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें साइज ऑफ इमेज, ठीक है, इज टू वो कहते हैं 3/5 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज का 3/5 टाइम होगा या 0.6 टाइम होगा, ठीक है। हमें मेन एक पॉजिटिव दिखाना था, है ना, और ये है, ठीक है, इतने टाइम होगा, ठीक है, जो साइज वाइज भी पूछा है इसमें शायद, है ना, नेचर पूछा तो साइज नहीं पूछा तो लिख दिया तो कुछ नहीं जाता उसमें, है ना। और यहाँ पे लिख सकते हो इमेज फॉर्म एट, ठीक है, 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि हमें क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन फिर भी एज अ प्रैक्टिस बता रहा हूँ, क्योंकि रे डायग्राम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। अभी हमारे क्या है कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, फोकल लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो वैसे भी हम पढ़ चुके हैं कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से बनता है ना। अब जो है हमने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे, ठीक है, तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी, इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये इधर पैरेलल रे करी तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन दूर चली जाएगी, डाइवर्जेंस मिरर हुआ, ठीक है, इसका रिलेशन कहाँ होगा, फोकस से होगा। दूसरा क्या बताया था, यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ये क्या होगा, पोल में जो होता है, जो पोल में जिस पॉइंट पर गिरती, पोल में जहाँ गिरेगा तो उसी एंगल से क्या होता है इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है बराबर होते हैं, तो इसको जब हम इधर करेंगे तो ये, ठीक है, छोटा ही बन रहा है, तो 3/5 टाइम यानी कि 0.6 टाइम क्या हो गया, 0.6 टाइम, अगर वन टाइम कहते हो, वन टाइम्स कहते हो तो यानी कि उसी के बराबर बन रहा है ना, तो वन से छोटा है तो रिफ्रैक्शन, यानी कि क्या होगा, इसका साइज छोटा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर कितना होगा 6 सेंटीमीटर दूर पर वो बनेगा, ठीक है। ये तो 15 सेंटीमीटर यहाँ हुआ तो उससे कम ही तो बन रहा है, तो यानी कि जो भी फोकल लेंथ होती है उससे कम डिस्टेंस में बनता है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, उसमें कह रहा था मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1, तो व्हाट डज इट मीन, ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है, ऐसे लिख सकते हो फॉर प्लेन मिरर m इज इक्वल टू +1, ठीक है, व्हाट डज इट मीन, है ना। तो इसमें देखो पहला आएगा तो प्लेन मिरर है, तो इसमें क्या होगा एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है, एच आई अपॉन एच ओ होगा, है ना, और इसमें कितना आ जाएगा एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू 1 हो गई, तो एच आई बराबर एच ओ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कह रहा है जो यानी कि इससे हमारा ये निकल गया हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इस केस में क्या होगा, ये हो गया। दूसरा अगर हम जैसे माइनस वी अपॉन यू ले लेते हैं, तो माइनस वी इज इक्वल टू यू, ठीक है, अगर हमने इस तरीके से ले लिया तो यहाँ पे अगर माइनस साइन को थोड़ी देख ले छोड़ दे, माइनस साइन क्या कर रहा है डायरेक्शन बता रहा है किधर किधर है, ठीक है, अगर जैसे हो गया तो उसी कंडी वैल्यू अगर न्यूमेरिकल वैल्यू भरेंगे तो उसी हिसाब से वो एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब होता है वी इज इक्वल टू यू, तो दिस सो डैट
है ना, दिस सो दैट साइज ऑफ इमेज, ठीक है, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज, ठीक है, सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, ऑल्सो इक्वल, ठीक है, मतलब कि जितनी दूरी पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो मिरर ही ऑल्सो फॉर्म्ड एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, मिरर में ही उतनी दूरी पे वो क्या होगा हमारा वो है बनेगा, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है, तो यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितना होगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है, क्योंकि हम सीधे रखेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से इन साइनों को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है, देखो अलग अलग बुकों में कभी भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो लेकिन जब तुम अपनी ये चीज़ डिफाइन कर दोगे तो गलत होने के चांसेस कहीं पे भी नहीं होंगे, ठीक है, अब देखो, अब वो कह रहा है इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, कहाँ पे करा गया है उसे 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो है यू, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये दी हुई है, तो कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, वही चीज़ ध्यान रखने के लिए कहा था मैंने माइनस साइन आएगा क्योंकि हमेशा यू क्या होगा माइनस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखी जाती ना, अब यहाँ पे आर है, आर क्या आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये होगा प्लस, प्लस क्यों होगा, है ना, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, या ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में जो है पॉजिटिव होता है क्योंकि राइट हैंड साइड में आता है ना, अब इसमें क्या है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इट्स नेचर एंड इट्स साइज, तो यानी कि हमें यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सभी चीज़ें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा यहाँ पे हम कर देंगे लेट, है ना, जो लेट करा हमने एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है, तो फोकल लेंथ मान ली, तो फोकल लेंथ क्या होगा जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है, फिर इसके बाद एंड जो है V इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मान लेंगे हम डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा बाय यहाँ पे क्या आएगा मिरर फॉर्मूला, ठीक है, तो बाय मिरर फॉर्मूले में क्या था हमारे पास बाय मिरर फॉर्मूला 1 upon F = 1 upon V + 1 upon U, हम ये यूज करेंगे, तो F जो है हमारे कितना कितना 15, ठीक है, और V हमें निकालना है तो 1 upon V, ठीक है, प्लस 1 upon U, U कितना हमारा माइनस का 20, ठीक है, तो 1 upon 15 = 1 upon V + - जो है यहाँ पे क्या होगा माइनस 1 upon - का जो है ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 20 हो गया, ठीक है, तो इसमें देखो ध्यान रखना होता है ये प्लस होता है हम उधर भेजते हैं माइनस का 1 upon 20 लिख देते हैं जबकि ये उधर आके प्लस का होना चाहिए था ना, तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे एक इस लाइन को ज़रा सही से ऐसे वैल्यू भर दिया करें, फिर आप प्लस माइनस जो है साइनों को सॉल्व करके इधर भेजेंगे तो कितना 1 upon 15 + 1 upon 20, ठीक है, और 1 upon V, ठीक है, तो कितना गया एलसीएम 60,
ठीक, ये आ गई हमारी इसकी इतनी वैल्यू, ठीक है। तो 15 4 जै 60, 4 आ गया है ना, बी 20 × 3 60, ऊपर 3 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 7/60 इज इक्वल टू 1/V, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो V हो जाएगा, इसको ये क्या होगा 60/7 सेंटीमीटर, ठीक है। या इसको हम कर देंगे, या डिवाइड कर दो, है ना। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 × 56, है ना, पॉइंट लगेगा तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। 7 × 5 = 35, ठीक, और 35 आ गया तो कितना आ जाएगा नीचे 5 आएगा, है ना। तो 7 × 7 = 49 अप्रॉक्स, इतने सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है, इतना हमारा आंसर आएगा। तो ये भी एक आंसर तुम दे सकते हो अप्रॉक्स करके, है ना। तो ये आ गया, है ना, इसको इस वैल्यू को भी ध्यान में रखना, ठीक है। क्यों, ठीक है, जब यहाँ पे हम आते हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पे मैग्नीफिकेशन, ठीक है, जो कि नेचर, और वो भी पूछा है नेचर एंड साइज, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम जो है इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन, ठीक है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा जैसे -V/U, ठीक है। अब जो ये था, हमने पहले देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, तो इसमें क्या था, कॉन्वेक्स मिरर बोला है, कॉन्वेक्स मिरर का वी पॉजिटिव आया यानी पीछे तो बनता था, कई बार हम इसके कर चुके हैं। तो एम इज इक्वल टू आ जाएगा -V की जो है वैल्यू, यही वाली लेना 60/7, क्योंकि रियल वैल्यू तो यही है ना, ये तो अप्रोक्स वाली है ना, तो इसको लेने में क्या होगा, दिक्कत आएगी बाद में लोएस्ट टर्म इधर बदलने में। और यू की वैल्यू कितनी है, यू हमारे पास है -20, तो देखो माइनस से माइनस कट गया, तो एम इज इक्वल टू 60/7 × 1/20, ठीक है, जब डिवीजन में ऊपर जाता है रेसिपी होता है, ठीक है। इतने टाइम्स आ गया, और एम यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यानी कि अब इसमें क्या होगा, लैंग्वेज में लिख देना, मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो M इज इक्वल टू है ना HI/HO, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो वेयर HO इज इक्वल टू हाइट ऑफ जो है ऑब्जेक्ट, ये तो हमने ऊपर डिफाइन कर दिया, HI के लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई बताए तो नहीं है कहाँ से आया करके, तो HI इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, वेयर करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। अब M इज इक्वल टू जो है हमारा HI कितना था, ये हमें निकालना है ना, और HO कितना है, ठीक है, तो HI जो होगा हमारा 5 m, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू आ गया 5 × m की वैल्यू कितनी, 3/7, ठीक है, तो 15/7, तो यानी कि 7 × 2 = 14, 14 आएगा, होल नंबर 1/7 सेंटीमीटर, लगभग जो है पॉइंट में वहाँ पर आंसर दिखा सकते हो, तो उतना ही बनेगा। देखो मैग्नीफिकेशन 3/7 टाइम है, तो लगभग 1 की फ्रैक्शन से कम है, यानी कि छोटा ही बनेगा, ठीक है। तो अब हम देखो, हाइट हमारी 5 सेंटीमीटर थी, और ये कहाँ, लगभग 2.52 सेंटीमीटर के आसपास ही मान लो, तो लगभग उतना है, तो छोटा ही तो है। तो इसमें कहोगे द हाइट ऑफ द जो है इमेज इज फॉर्म्ड हाइट क्या होगा, डिस्टेंस 8.57 सेंटीमीटर अप्रॉक्स बिहाइंड द मिरर, एंड जो होगा नेचर ऑफ इमेज इज क्या होगी, प्लस है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड द साइज ऑफ द इमेज इज 7 × 1/7 सेंटीमीटर, ठीक है, या खुद कह सकते हो 3/7 टाइम द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दोगे 2/1/7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इसको करा जाएगा, ठीक है। और वही है, रे डायग्राम की भी बनाने की प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे आप जो है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
7 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस का, ठीक है। अब वो कह रहा है इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, और यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या कह रहा है प्लेस्ड है 27 सेंटीमीटर, ठीक है, यू क्या रहेगा माइनस, ठीक है, हमेशा। फिर कह रहा है ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, और वो भी क्या होगी माइनस में, ठीक है, बिकॉज कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब वो कह रहा है स्क्रीन से कितने मिरर से कितनी डिस्टेंस में हम स्क्रीन को क्या कर रहे हैं प्लेस्ड करें सो दैट द शार्प जो है एक हमें इमेज वहाँ पे बने, है ना, और साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, तो जैसे हम अभी तक करते हैं वही करना हमें, ठीक है। हमें नहीं निकालना क्या है वी डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है, और एच आई हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट नो क्या कहता है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, इस तरीके से ये दो क्या, क्योंकि साइज भी बोला तो साइज में आप जब हमें यहाँ पे हाइट दिए तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सिंपल जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वही यूज करेंगे बाय मिरर फॉर्मूला, ठीक है, तो 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम रखेंगे वैल्यू, तो -18 है ना 1/v और प्लस जो है 1/-27, ठीक। अब यहाँ पे साइन को सॉल्व कर लिया, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक प्रकार से 1/v = -1/18 था, ये उधर जाके उसके साथ 1/27, ठीक है। अब एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे हमारा 54 मेगा 3 बार, ठीक है, और 27 से 2 बार, देखो साइन के साथ है, 1/v = -1/54, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस का 54 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस डिस्टेंस तो माइनस हो नहीं सकती, तो यहाँ पे साइन क्या कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में बनेगा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे एम क्या हो गया, मैग्नीफिकेशन, वी अपॉन यू, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, ठीक है, तो यही तो कुछ फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं इसमें, तो माइनस वी की वैल्यू कितनी आई थी, -54, ठीक है, ये माइनस वैसा है और ये वी की वैल्यू -54 है ना, विथ साइन हम भर रहे हैं, तो माइनस का 27, तो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, और ये है कैसा हमारा, कैसी आई वी वैल्यू, निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे हम और भी निकाल लेते हैं, m बराबर एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है, तो m -2 है, हाँ, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितना दिया है 7, तो एच आई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 14 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, तो साफ साफ क्लियर पता चल रहा है, रियल है, दुगनी बन रही है, देखो हमने यहाँ निकाला भी तो 7 का दुगना माइनस जो है 7 का दुगना 14, माइनस साइन ये बता रहा है कि ये क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, जो है माइनस वैल्यू है एम, यही बता रही है रियल एंड इन्वर्टेड है, तो यहाँ से भी वैल्यू क्या आ गई, माइनस में आ गई, यानी कि उल्टा बन रहा है, ठीक है।
तो इसमें जो होगा हम लिख देंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट -15 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, है ना, एंड इट इज़ ट्वाइस इन साइज, है ना, एंड हाइट ऑफ जो है इमेज इज 14 सेंटीमीटर, या लेंथ ऑफ इमेज इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से हम वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो है हमारा, इसका रे डायग्राम में भी यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन में पूछ दिया कि रे डायग्राम के बनाओ, तो कॉनकेव है, ठीक। अब इसमें क्या है, देखो एफ, और हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके दुगने पे होगा, ठीक है। तो देखो एफ है हमारा जो है यहाँ पे, एफ हमारा कितना है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है 27, ठीक है। अब 18, ठीक है, 18 का दुगना कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो यानी कि ये डिस्टेंस 36 हो गई पोल से, है ना, और ये जो हो गया हमारे पास 18 होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर दुगने पे होता है ना फोकस के, यानी कि ऑब्जेक्ट 27, यानी कि यहीं कहीं इसके और इसके बीच में है, ठीक है। तो अब यही कंडीशन है सेंटर पर, उसके अकॉर्डिंग जो हमने पहले पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक पैरेलल रे आएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होती हुई चली जाएगी, ठीक है, और दूसरा एक जो फोकस पे जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये जो है हमारा एच आई हो गया, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, इसका नाम हम ए और बी लिखते हैं, तो इसका जो है यहाँ पे ए डैश होगा ऊपर के पॉइंट का, ठीक है, बेस का बी डैश। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डायग्राम को, रे डायग्राम को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। ऊपर लिख दिया 27 सेंटीमीटर, है ना, और जो ये इसकी डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस को यहाँ पे दिखा दिया 54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसका रे डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई इजी इजी है, बस क्या है, हमें जो पहले जो कंडीशन पड़ी थी उन चीज़ों को हमें यहाँ पे करते जाना है, ठीक है। तो आई होप जो है यहाँ पे जो है हमारे पास मिरर के जितने भी थे बुक में क्वेश्चन हमने कर लिए, है ना। इसके अलावा भी जो क्वेश्चन है आप उसको जो है हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में क्या करोगे, जो क्वेश्चन है आपका उसको लिख के टाइप करके दे दीजिएगा, है ना। तो जो आने वाली किसी टाइम वीडियो में जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में, तो उनको हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अगला जो है हम लेंस, फिर लेंस से न्यूमेरिकल, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को करेंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो थैंक्स, है ना। और अगर पसंद आई तो इसे लाइक और जो है कमेंट करिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो अगर नए हैं चैनल में तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके बाय।